मसीह लोग हैं, चर्च जाने वाले लोग हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं। चर्च जाने वाले लोग हैं लेकिन जीवन में कोई आनंद नहीं है। चर्च जाने वाले लोग हैं लेकिन जीवन में कोई खुशी नहीं है। चर्च जाने वाले लोग हैं लेकिन किसी प्रकार की सफलता को अपनी जिंदगी में नहीं देखते। चर्च जाने वाले लोग हैं लेकिन हमेशा बोझ तले दबे रहते हैं। चर्च जाने वाले लोग हैं लेकिन हमेशा दुखी रहते हैं। चर्च जाने वाले लोग हैं लेकिन हमेशा परेशान रहते हैं। तो ये किस प्रकार का फल है फिर? ये किस प्रकार का मसीह जीवन है फिर? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मसीह जीवन में दुख नहीं आता, तकलीफ नहीं आता, चुनौतियां नहीं आती, लेकिन मेरे प्रिय, हमेशा बोझ रहना, दुख रहना, परेशान रहना, चिंतित रहना, व्याकुल रहना, क्या ये मसीह जीवन है? बाइबल बताती है कि धर्मी जन पर बहुत सी विपत्ति आती है, लेकिन यहोवा क्या करता हूं, मैं छोड़ देता हूं। ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, धर्मी जन पर बहुत सी विपत्ति आती है लेकिन यहोवा हम सब से उन्हें निकाल देता है। So, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उन सब से हमें छुड़ाता है, निकालता है। आप निकले? आप निकल गए? अगर नहीं निकले हैं तो परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर निकाले आप। हालेलुया। वहीं पर बैठे नहीं रहना, लेकिन परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर आप हमें क्या करिए, निकालिए। तो कई बार ये जो फलवंत बात है, जो ये शब्द है फलवंत, वो हम अपने जीवन में कई बार नहीं देख पाते, या कई बार लगता है कि हमारे जिंदगी के कुछ क्षेत्र में तो हम फल फल को देख रहे हैं या परिणाम को देख रहे हैं, लेकिन हमारे जिंदगी के कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जिसमें अभी तक नतीजे नहीं दिखाई दे रहे। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग एक फलवंत जीवन जिए। मेरा विषय यही है कि एक विश्वासी फलवंत जीवन कैसे जी सकते, मैं और आप एक फलवंत जीवन कैसे जी सकते हैं, ये मैं आपको आज की सुबह बताना चाहता हूं। मेरे प्यार, इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय, जहां पर बीज बोने वाले का दृष्टांत है, और यह दृष्टांत पाया जाता है मत्ती 13 अध्याय और उसका 1-9 पर, और इस दृष्टांत का अर्थ पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 18-23 वचन में। मैं इस दोनों भाग को पढ़ूंगा, आप लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा। मत्ती उसका 13 अध्याय और उसका 1-9 पर लिखा है, उसी दिन यीशु घर से बाहर निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास एक विशाल जनसमूह एकत्रित हुआ, अतः वह नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारा जनसमूह किनारे पर ही खड़ा रहा। उसने यह कहते हुए उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें की। देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और चिड़ियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली और गहरी मिट्टी ना होने के कारण वे शीघ्र उग आए, परंतु सूर्य उदय होने पर वे झुलस गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। और अन्य बीज कटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके पास कान हो वह सुन ले। फिर उसका अर्थ बाइबल बताती मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 18 पद से आगे। इस दृष्टांत को चेले नहीं समझ पाए थे और चेलों ने एकांत में प्रभु यीशु मसीह से इसका अर्थ पूछा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको अर्थ समझाया और कहा, जब कोई व्यक्ति राज्य का वचन सुनता है और उसे नहीं समझता, तो वह दुष्ट आकर जो कुछ उसके हृदय में बोया गया था छीन ले जाता है। यह मार्ग के किनारे की वह भूमि है जिस पर बीज बोया गया था, और पथरीली भूमि पर और पथरीली भूमि जिस पर बीज बोया गया था, यह वह मनुष्य है जो वचन सुनता है और तुरंत आनंद पूर्वक ग्रहण करता है, फिर भी अपने आप में गहरी जड़ नहीं रखता, इसलिए थोड़े समय का है, और जब वचन के कारण क्लेश या सताव आता है तो वह तुरंत ठोकर खाता है। और कटीली झाड़ी में बोया गया वह मनुष्य है जो वचन सुनता है और संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है,
और वह निष्फल हो जाता है। अच्छी भूमि में बोया गया वह मनुष्य है जो वचन को सुनकर और समझकर वास्तव में फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। मेरे प्रियो, जो 3 प्रकार के लोग जो शुरू में प्रवेश मसीह ने बताया, जो हम 19 पद में और 20 पद में और 22 पद में देखते हैं, 3 प्रकार के लोग, ये तीनों प्रकार के लोग में एक समानता है। वो समानता यह है कि इन तीनों ने वचन को सुना। ये तीनों समूह के लोगों ने वचन को सुना। ये ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने वचन नहीं सुना, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी वचन नहीं सुना या वचन सुनने का मौका ही नहीं मिला, जिन्होंने उस सुसमाचार को नहीं सुना या जिन्होंने यीशु मसीह का नाम तक नहीं सुना, ऐसे लोग नहीं थे ये। लेकिन ये वे लोग हैं जिन्होंने वचन को सुना है। लेकिन इनके अंदर एक और समानता है, इन तीनों समूह में, इन तीनों प्रकार के लोगों में वो समानता ये है कि वचन सुनने के बाद भी ये निष्फल थे। इनके जिंदगी में कोई फल नहीं आया। वचन जिस मकसद से दिया गया था, जिन आशीषों को प्राप्त करने के लिए उन तक पहुंचाया गया था, वो आशीषें उन्हें नहीं मिली, वो बदलाव उनकी जिंदगी में नहीं आया, या उन्नति उनकी जिंदगी में नहीं आई, या वो सफलता उनकी जिंदगी में उन्हें नहीं मिला। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वचन सुनना काफी नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने जीवन में कितने समय से, कितने सालों से वचन सुनते आए हैं, बताएंगे कुछ लोग कितने सालों से आप वचनों को लगातार सुन रहे हैं? 5 साल से? और 12-13 साल से? 12-13 साल से? बचपन से सुनते आए। प्रभु का धन्यवाद, ऐसा जवाब है हमारे बीच में। चाहता था कि भाई कोई बोले कि 50-60 साल से, है ना, बचपन से वचन सुनते आए। वचन पे वचन, वचन पे वचन, हर संडे सुन रहे, हर संडे सुन रहे, हर संडे सुन रहे, हर संडे सुन रहे। लेकिन इसका कोई असर आपकी जिंदगी में पड़ा इन वचनों से जो आप बचपन से सुनते आए थे, या पिछले 5 साल से, या पिछले 13 साल से, या पिछले 20 साल से, या 15 साल से, आपके जिंदगी में कितना असर डाला, आपकी जिंदगी को कितना फलवंत बनाया है? क्या वास्तव में आप इतने सालों से सुन सुन के फायदेमंद हुए, उन वचनों के द्वारा कुछ फल को प्राप्त किया आप अपने जीवन में? या जब आप तुलना करते हैं कि जितना आपने सुना और जितना परिणाम आप देख रहे हैं, उनमें बहुत अंतर है। आपने सुना बहुत ज्यादा लेकिन परिणाम बहुत कम निकला। मेरे प्रिय, अगर ऐसा है तो बहुत दुख की बात है, ये बहुत अफसोस की बात है मान, क्योंकि मेरे प्रिय कई लोग बहुत लंबे समय से वचनों को सुन रहे हैं, हर संडे वचनों को सुनते हैं। कई लोगों को वचन सुनना पसंद नहीं है, उनकी बात अलग है। लेकिन मेरे प्रिय, ऐसे कई लोग हैं जो लगातार आप चर्च आते हैं, संडे संडे आते रहते, आते रहते, आते रहते, सुनते हो, सुनते हो, सुनते हो, इतना सुने हो आप, लेकिन क्या आपकी जिंदगी में फल आए? क्योंकि यहां पर ऐसे समूह का वर्णन है, ऐसे लोगों का वर्णन है जिन्होंने सुना था वचन मेरे प्रिय, लेकिन वो निष्फल हो गए, उनके जिंदगी में किसी प्रकार का फल नहीं आया। सो मात्र सुन लेना काफी नहीं है मेरे प्रियो, सुन लेने के बावजूद भी इनके जिंदगी में किसी प्रकार का फल नहीं है। सुन लेने के बावजूद भी मेरे प्रियो, इनके जिंदगी में कोई लाभ सुनने से नहीं हुआ। ये वैसे इसराइलियों के समान थे। बाइबल बताती है कि इसराइलियों ने सुना, लेकिन मेरे प्रियो उससे सुनकर उनको कोई लाभ हुआ नहीं। वो तो 40 साल तक सुनते रहे परमेश्वर के वचन को, लेकिन कभी वो कनान देश पहुंच नहीं पाए, क्योंकि इसके बाद सुनना मात्र काफी नहीं है। हम लोग जो प्रति संडे रविवार को हम लोग इकट्ठा होते हैं, आप सोशल मीडिया में कितने सारे संदेश आप सुनते हैं, वो ये सब चीज आपको फलवंत बनाने के लिए। परमेश्वर का वचन इसलिए आता है कि वो हमारे जिंदगी में फल को लेता है, वो एक बीज की तरह हमारे जिंदगी में आता है ताकि वो अंकुरित हो और हमारे जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के फल मैं और आप अपने जीवन में प्राप्त कर पाए। लेकिन मेरे प्रिय, यहाँ पर 3 प्रकार का समूह जिनके बारे में मैंने अभी बताया, 19, 20 और 22 वचन में, मत्ती रची सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में, ये तीनों ने वचनों को सुना मेरे प्रियो, लेकिन किसी प्रकार का फल नहीं आया, किसी प्रकार का फल नहीं आया। तो मैं और आप कैसे फलवंत हो सकते हैं? ऐसा क्या करें
जिससे मैं और आप अपने जीवन में फलवंत हो सके। और मैंने आपको बताया मेरे प्रिय, फलवंत होने का मतलब क्या है, किसी कोई भला परिणाम को अपने जीवन में देखना। वो भला परिणाम चंगाई की तरह हो सकता है, आर्थिक आशीष की तरह हो सकता है, आपकी सफलता की तरह हो सकता है, उन्नति की तरह हो सकता है, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में शांति और सुकून के तौर पर भी हो सकता है। इसीलिए आप ऐसा ना सोचे कि फलवंत होने का मतलब केवल ये नहीं है कि आप प्रभु के लिए क्या कर पाए अपनी जिंदगी में, मात्र वो नहीं है, लेकिन आपने क्या पाया अपने मसीह जीवन में। इतने सालों से जो मैं और आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उसके वचनों को सुन रहे हैं, उस वो वचन जो हमने सुना कितने फलों को हमारे जिंदगी में पैदा कर पाया, उन वचनों को सुनकर किस प्रकार के फल या कौन कौन से फल हमारे जिंदगी में लग पाए हैं। सो हम कैसे फलवंत हो सकते हैं मेरे भाई, कैसे फलवंत हो सकते हैं। देखिए यहां पर कई बार हम लोग वचन को सुन लेते हैं ना, और फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं आई रिसीव। आपको पता आई रिसीव बोलने से मात्र से कुछ नहीं होगा। हम लोग सोचते आई रिसीव बोल दिया मतलब हमारा पैक हो गया पूरा, है ना। हमने जैसे मुहर लगा दिया आई रिसीव बोल, वो तो पहला कदम था आई रिसीव। आई रिसीव बोलने के बाद अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, जैसे हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, कि जो दूसरे दो प्रकार के पथरीली भूमि पर जो बोया, जो बीज गिरा था, बोया गया था, उसके लिए क्या लिखा है, या वह मनुष्य जो वचन सुनता है और उसे तुरंत आनंद पूर्वक ग्रहण भी कर लेता है। आप बोलेंगे भैया मैं तो वचन को ग्रहण करता हूं, ग्रहण करती हूं, लेकिन उतना भी काफी नहीं, वो भी काफी नहीं है। ग्रहण करने के बाद भी लोग फल लेकर आ पाए क्या, नहीं पाए, मतलब अभी और कुछ चीजों की जरूरत है। ना केवल सुनना काफी है, ना केवल ये कहना काफी है कि आई रिसीव, मैं ग्रहण करता हूं, मैं ग्रहण करती हूं, है ना। ये मजाक का बात नहीं है। जैसे कई बार हम लोग भविष्यवाणी को सुनते हैं, क्योंकि हम लोग सिखाए हैं ना कि बोलना है कि आई रिसीव, उसको रिसीव करें तो हम लोग फट से बोलते हैं आई रिसीव, और फिर उसके बाद आई फॉरगॉट, भूल गई है, मैंने रिसीव भी कर लिया, मैंने भूल गई। मेरे प्रिय ऐसे नहीं चलेगा। आपको पता है अगर इस तरह का मसीह जीवन हम लोग जिएंगे तो आप संडे संडे आके थक जाएंगे आप, और आप किसी भी प्रकार का फल नहीं पाएंगे, आप थक जाओगे और आप परेशान होने लगोगे कि और क्या करूं, और क्या करूं, और क्या करूं। हर संडे में चर्च तो जाता हूं, हर संडे में चर्च तो जाता हूं, मैं तो प्रार्थना भी करवाता हूं, है ना, सुनता भी हूं, ग्रहण भी करता हूं, लेकिन फिर भी फल नहीं आता। क्योंकि मेरे प्रियो उससे आगे भी कुछ है जो परमेश्वर का वचन चाहता है कि मैं और आप करें। फल लाने के लिए मैं और आप क्या करें, ऐसा क्या करें कि मैं और आप एक फलवंत जीवन जिए। सबसे पहला बात मेरे प्रियो, एक फलवंत जीवन जीने के लिए जरूरी है कि मैं और आप उस सुने गए वचन को समझें। क्या हो जाए, सबसे पहले जो वचन हमने सुना है उसको क्या करें, समझें। कई बार लोग बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आया। मेरे प्रियो समझने के लिए कई बार मेहनत करना पड़ता है। आपको पता है कई बार समझने के लिए ये एक घंटा डेढ़ घंटा जो मैं यहां पर बोलता हूं उतना काफी नहीं है, उतना काफी नहीं है मेरे प्रियो। आपको और मेहनत करना पड़ेगा, आपको और मेहनत करना पड़ेगा। देखिए आप तो मेरे संदेश तो केवल सप्ताह में एक दिन मुझसे सुनते हैं, बाकी दिन बाकी समय आप जो पढ़ते हैं उसका क्या, हर एक भाग जो आप पढ़ते हैं बाइबल में, क्या आप उसको आधा घंटा एक घंटा लेकर समझने के लिए थोड़ा सा ठहरते हैं, क्या आप इस प्रकार से मेहनत करते हैं? क्योंकि कभी कभी समाज समझाने के लिए देखो मुझे टाइम लगता है, तो आपको समझने के लिए तो टाइम लगेगा अपने पर्सनल बाइबल स्टडी में, या पढ़ते ही साथ आपको सब समझ में आ जाता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको पता है समझने के लिए मेहनत करना पड़ता है, समझाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। आप में से कई लोग टीचर्स हैं, आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको मेहनत करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? आपको मेहनत करना पड़ता है समझाने के लिए, और मेरे प्रियो आपको समझने के लिए भी कई बार मेहनत करना पड़ेगा। एबीसीडी वाला लेवल का बात नहीं है,
लेकिन आपको पता है कि कई ऐसे विषय होते हैं जो आपको बच्चों को सिखाने हैं, पढ़ाने हैं, आपको पहले खुद भी समझना पड़ता है उसको कि उसका अर्थ क्या है, और समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है मेरे प्रिय। सो बाइबल बताती है ये जो पहला जो समूह है, पहला जो झुंड है जिन्होंने वचन को सुना, लिखा है कि इन्होंने वचन को सुना तो जरूर, लेकिन अफसोस कि ये वचन को समझ नहीं पाए। ये बहने नहीं थे मेरे प्रिय, लेकिन इन्होंने अपने दिमाग को और इस्तेमाल नहीं किया, थोड़ा बौद्धिक तरीके से और मेहनत नहीं किया, इन्होंने और थोड़ा वक्त नहीं लगाया समझाने के लिए, समझने के लिए कि हमसे भूला क्या जा रहा था, वो दृष्टांत का मतलब क्या है, या हम जो वचन पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, हमें जो सुसमाचार सुनाया जा रहा है उसका मतलब क्या है, वो क्यों बता रहा है, इतना जरूरी क्यों है ये बात, क्या ऐसा करना इतना जरूरी है, इसके बगैर अब काम नहीं चलेगा क्या, क्या ऐसा करने से ही आशीष मिलेगा, इसे कैसे किया जा सकता है, ऐसे कई प्रकार की बात को सोच सोच कर वो वचन को समझने का कोशिश कर रहा है। पहला बात मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आप फल को देखो, मैंने कहा सुनना और ये कहना कि मैंने ग्रहण किया इतना काफी नहीं है, आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा और तकलीफ उठाना पड़ेगा, आपको वचन समझने के लिए तकलीफ उठाना पड़ेगा। यह ऐसा झुंड था मेरे प्रिय जिन्होंने वचन को सुना फिर समझने के लिए कोई मन नहीं लगाया। और जिस विषय में आपका कोई रुचि नहीं है, क्या आप उस विषय को समझने के मन लगाएंगे कभी? कभी ऐसा होता है? नहीं होता। जहां जिस विषय में हमारी रुचि होती है उस विषय को समझने के लिए हम लोग और मन लगाते हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन अगर वो हमारी रुचि से बाहर है हमारा मन लगेगा ही नहीं, हमारा मन बिल्कुल नहीं लगेगा, ना तो सुनने में लगेगा ना तो समझने में लगेगा, क्योंकि वो हमारा रुचि नहीं है। जिनका रुचि खेल कूद में है उनको खेल कूद की बातें करो और देखना हम लोग बात करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। जिनका वचन जिनका जो रुचि है वो पढ़ाई में है, वो देखो पढ़ाई के लिए कितना मेहनत करेंगे। जिनका रुचि घूमने फिरने में है वो देखिए कितना मेहनत करते हैं घूमने फिरने के लिए। आपका रुचि किसमें है? हो सकता है ये वो समूह है जिन्होंने वचन को सुना लेकिन उनके अंदर और कोई ज्यादा रुचि नहीं था और उन्होंने वचन को केवल सुन लिया मेरे प्रिय, लेकिन मेहनत नहीं किया, उस पर मनन नहीं किया, उस पर सोच विचार नहीं किया। बाइबल में लिखा है कि मेरी प्रजा सोचती नहीं है, विचार नहीं करती, मेरी प्रजा विचार नहीं करती, सोचती नहीं। यहोशू उसका पहला अध्याय और उसके आठवें वचन में परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि यहोशू व्यवस्था की किताब तेरे चित्त से न उतरने पाए, इस पर तो दिन रात ध्यान करते रहना, मनन करते रहना, इस पर तो दिन रात सोचते रहना, विचारते रहना, और तब तो इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार करने की चौकसी कर पाएगा और तब तो सफल होगा और प्रभावशाली। हालेलुया। परिणाम क्या मिलेगा यहोशू तेरे को? तो सफलता को देखेगा। हालेलुया। सफलता एक परिणाम है, सफलता एक फल है जिसके लिए लोग तरसते हैं। कई लोग काम करते हैं उसमें सफल नहीं होते, जिसमें हाथ डालते हैं वही काम खराब, उनका अनुभव बहुत फर्क हो जाता है मेरे लिए, उनको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिलती, किसी भी चीज में सफलता नहीं, वो एक असफल व्यक्ति की तरह अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, और हो सकता है लगातार चर्च आ रहे हैं लेकिन एक असफल जिंदगी का अनुभव है, मतलब उनके जिंदगी में फल नहीं है, उनके जिंदगी में फल नहीं लगे। मेरे प्रियो, क्या ऐसी चीजें आपको परेशान नहीं करती, आपको अंदर से हिलाती नहीं, उठाती नहीं, जगाती नहीं कि यार क्या चल रहा तुम्हारी जिंदगी में? क्या आप अपने आप से बात नहीं करते? क्या आप होश में नहीं आते? क्या आप गौर नहीं करते कि क्या चल रहा मेरी जिंदगी में? क्या ऐसा होना चाहिए मेरी जिंदगी में? क्या ये चीजें मेरी जिंदगी में बदल नहीं सकती? क्या मेरी जिंदगी में मैं कुछ दूसरा अनुभव नहीं पा सकता? क्या कुछ अच्छी चीजें मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती? बाइबल बताती है, वचनकार कहता है, वो कहता है कि मेरे लिए माप की डोली सुहावने स्थानों में रखी गई। क्या मेरे लिए ये सारे अनुभव नहीं है? परमेश्वर यहोशू को एक अनुभव देना चाहता था सफलता का, और लेकिन उसके लिए एक शर्त था, उसके लिए वो कहता है कि देखिए सफलता इतनी आसानी से नहीं आएगा,
मैंने तेरा अभिषेक भी कर दिया, मैंने तुझे चुन भी लिया, तू एक लीडर भी है। लेकिन एक सफल लीडर होने के लिए, एक सफल व्यक्ति होने के लिए, अगर आप जॉब करते हैं तो उस जॉब में सफलता को देखने के लिए, एक टीचर के तौर पर एक सफल टीचर बनने के लिए, एक व्यवसाय के तौर पर एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए आप, या आप किसी भी क्षेत्र में आप नौकरी करते हैं, मेरे उस नौकरी में सफलता को देखने के लिए आपको इस चीज की जरूरत है। इसके बगैर आप सफलता को नहीं देखेंगे, आप परेशान होंगे बहुत। देखिए, परमेश्वर कोई भी आशीष आपको परेशान करने के लिए नहीं देता। परमेश्वर ने यहोशू को ये काम परेशान होने के लिए नहीं दिया था। परमेश्वर ने मूसा को इसलिए नेतृत्व करने के लिए खड़ा नहीं किया था ताकि वो परेशान हो जाए। मेरे लिए परमेश्वर चाहता है कि जिस जगह में भी, जिस पद में भी परमेश्वर आपको रखता है, आप उससे आशीष को प्राप्त कर पाए। हालेलुया, उसके द्वारा परमेश्वर का जो मकसद आपके जिंदगी में वो पूरा हो पाए, ये परमेश्वर की इच्छा होती है। परमेश्वर चाहता है कि उसके द्वारा आपको लाभ मिले, उसके द्वारा आप अपनी जिंदगी में कई फल को प्राप्त कर पाओ। लेकिन यहोशू से परमेश्वर ने यह बोला, इससे पहले कि वो बोले कि तो सफल होगा, परमेश्वर ने बोला कि व्यवस्था की किताब तेरे चित्त से नहीं उतरना चाहिए, इस पर तू दिन रात ध्यान करना, तू मेहनत करना, तो जब भी तुझे वक्त मिलता है तो क्या करना, परमेश्वर के वचन के बारे में सोच। वचन जो लिखा हुआ है, जो तू पढ़ा है, जो तू जानता है, जो तूने सीखा है, उसके ऊपर तू क्या करना, ध्यान करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियसु, फलवंत जीवन होने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके वचनों के ऊपर मनन करें, उसको समझने के लिए मेहनत करें, दिन रात मैं और आप उसके वचन के ऊपर मनन करें, प्रयास करें, अपना ताकत लगाए, अपनी बुद्धि लगाए, अपना वक्त लगाए परमेश्वर के वचन को समझने के लिए। मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हमें समझ में आता है, मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन जो हम जब हम समझ जाते हैं तो वो हमारे लिए प्रकाशन की तरह होता है। भजन संहिता 119 अध्याय, भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 130 पद में भजनकार इस प्रकार से कहता है, 119 अध्याय और उसके 130 पद में, तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश मिलता है। इसका क्या मतलब है, तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश मिलता है? बाइबल खोलने से लाइट निकल के आता है? हाँ, अगर लाइट चली जाए तो बाइबल के अंदर इतनी रोशनी कि आप बाइबल खोलेंगे तो पूरा उजाला हो जाएगा, इसका ये मतलब है? क्या मतलब है? फिर कैसे खुलने के बारे में बात कर रहा है? लिखा तेरे वचन के खुलने से, वचन बंद है उसको खोलने की जरूरत है। मेरे लिए इसका मतलब ये है, वचन का खुलना मतलब वो आपको समझ में आना, उसका भेद, उसका अर्थ, उसके पीछे जो रहस्य है वो आपके सामने समझ में आता है। हालेलुया, और जब वो आपको समझ में आता है, आपकी बुद्धि इस बात को समझना लगती है कि अच्छा इसका ये मतलब है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने ऐसा अपनी जिंदगी में कभी अनुभव किया है तो याद करिए कि वो अनुभव कितना सुंदर था। जब आप पढ़ते 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 अचानक आपको ऐसा लगा अच्छा इसका ये मतलब होता है, मेरे प्रिय, उस समय आपके अंदर एक छुटकारा आया था। हालेलुया, एक सच्चाई आपको मिला था, एक प्रकाशन आपको मिला था। इसीलिए लिखा है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। जब परमेश्वर का वचन अनलॉक होता है, ऐसा कह लीजिए, जब पवित्र आत्मा की सहायता से वो वचन हमें समझ में आता है तो हमारे जिंदगी के अंदर में प्रकाश आने लगता है, प्रकाशन आने लगता है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, प्रकाशन एक चाबी की तरह है जो आपके जिंदगी के बहुत सारे बंद दरवाजों को खोलने में मदद करेंगे। प्रकाशन एक चाबी है, आप ऐसे ही मत समझिए। परमेश्वर का वचन ही आपको मदद करेगा आखिरी में, परमेश्वर का वचन ही आपको रास्ता दिखाएगा आखिरी में, परमेश्वर का वचन ही तलवार बनेगा आपके हाथ में। हालेलुया, मेरे लिए परमेश्वर का वचन समझना बहुत जरूरी है, उससे प्रकाशन प्राप्त करना जरूरी है, वो आपके अंदर खुलना जरूरी, आपको समझ में आना बहुत जरूरी है।
नहीं तो आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार का फल नहीं लगेगा और आप निराश होते रहेंगे, आप ठोकर खाते रहेंगे और आप सोचते रहेंगे क्या बात है, मैं तो हर संडे चर्च जाता हूँ, चर्च जाती, मैं तो संडे के अलावा भी वचन को सुनता हूँ, मैं तो वचन को पढ़ता भी हूँ घर में बैठ के, लेकिन फिर क्या बात है, फिर क्या बात है। मेरे प्रिय जो पढ़ रहे हैं आप, क्या आपको समझ में आ रहा है? मेरे प्रिय बाइबल बताती है प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में एक खोजा जो इथियोपिया से यरूशलेम में आया हुआ था परमेश्वर की आराधना करने के लिए, जब वो वापस लौट रहा था, वो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था, यशायाह नबी की किताब को पढ़ता चला जा रहा है, परमेश्वर के वचन के उस भाग को, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के भविष्यवाणी किया गया है कि वो आएगा और वो हमारे पापों के लिए बलिदान होगा। क्या वो पढ़ नहीं रहा था? वो पढ़ रहा था, लेकिन उसके पढ़ने से क्या उसको कोई फायदा हो रहा था? उससे पहले भी वो पढ़ा होगा उस भाग को, लेकिन कभी उससे फायदा नहीं हुआ। कभी वचन का पढ़ा जाना फैसले में नहीं बदला। उस वचन को पढ़ने के कारण किसी प्रकार का कदम उसने कभी नहीं बढ़ाया। उस वचन को पढ़ने का परिणाम उसे कभी भी कुछ भी नहीं मिला था, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया था। लेकिन उस दिन जब वो पढ़ता हुआ चला जा रहा था, परमेश्वर ने फिलिप्पुस को बोला, फिलिप्पुस जा इस मार्ग में, और फिलिप्पुस ने देखा कि खोजा उस किताब को पढ़ रहा है। फिलिप्पुस ने पूछा, क्या जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है? मेरे प्रिय, ये सवाल साधारण सा सवाल नहीं है। समझने की बात बहुत छोटी और बहुत साधारण बात नहीं है। परमेश्वर ने उसे अपनी आत्मा से भर कर खोजे के पास पहुंचाया एक सवाल को पूछने के लिए। खोजा, जो तू पढ़ रहा है क्या उसे तू समझता है, इस सवाल को पूछने के लिए। हालेलुया। मतलब मेरे प्रियो, जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसको समझना कितना ज्यादा जरूरी है। ये परमेश्वर की ओर से एक सवाल है कि हम जो पढ़ते हैं, हम जो सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, क्या हम उसे समझ पा रहे हैं? क्या आपने उसमें से कोई प्रकाशन प्राप्त किया? आप अपने पर्सनल बाइबल अध्ययन से क्या आपको कोई प्रकाशन प्राप्त होता है? आप हर संडे जब वचन को आकर सुनते हैं, क्या आपको वचन के द्वारा कोई प्रकाशन प्राप्त होता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं सोचता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों का अनुभव होगा, जैसे हम भी अनुभव करते हैं। कई बार जब मैं वचन को सुनता हूँ तो जितना उन्होंने बोला उतना तो मैंने सुना ही, लेकिन उसके बीच में पवित्र आत्मा और बहुत सारी बातें बोलना शुरू कर देता है। हालेलुया, और उस संदेश में और कई सारी बातें सिखाना शुरू कर देता है। हालेलुया, मुझे और मेरे जीवन से संबंधित कुछ बातें याद दिलाना शुरू करेगा, बात करना शुरू करेगा। कोई दूसरा रेफरेंस जो प्रचारक ने नहीं बोला है, वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर याद दिलाएगा और मुझसे उस वचन के द्वारा बात करेगा। हालेलुया, वो एक प्रकाशन है जो परमेश्वर दे रहा है। और अगर आपको प्रकाशन प्राप्त होता है मेरे प्रियो, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपने पर्सनल व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन से किसी प्रकार का प्रकाशन नहीं पा रहे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आपको थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है, अपने तरफ से थोड़ा और प्रयास लगाने की जरूरत है। पवित्र आत्मा आपकी जरूर से सहायता करेगा मेरे प्रिय। तो परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है, इसलिए बहुत जरूरी है मेरे प्रिय कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को समझें। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 27 वचन में मेरे प्रिय देखिए भजनकार क्या प्रार्थना करता, वो कहता है, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे समझा जिससे कि मैं तेरे अद्भुत कार्यों पर ध्यान दूं। कहता है कि प्रभु मैं तेरे उपदेशों को समझना चाहता हूं, मुझे समझाओ। मैं जो तेरे वचनों को पढ़ता हूं, मैं जो व्यवस्था को पढ़ता हूं परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मैं इसे समझ सकूं, मैं इसे समझना चाहता हूं। मेरे प्रियो, क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आपके अंदर समझने की इच्छा है? क्या आप भी ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं जो पढ़ रहा हूं मैं उसे समझना चाहता हूं? देखिए, जब आप ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं जो पढ़ने वाला हूं मुझे समझ में आना चाहिए, उसके बाद आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। प्रभु मैं पढ़ रहा हूं मुझे समझ में आना चाहिए, और जल्दी जल्दी पढ़कर खत्म कर दिए, आपको क्या समझ में आया? मेरे प्रिय, जब आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे तेरा वचन, मैं तेरे वचन को समझना चाहता हूं, मुझे समझा, तो बैठ कर फिर आराम से वक्त निकाल कर आपको पढ़ना चाहिए। रुक रुक कर, ठहर ठहर कर, ध्यान से देख कर आपको पढ़ना चाहिए और बोलते रहना चाहिए, पवित्र आत्मा क्या मतलब है इसका,
इसका क्या मतलब है? मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या मतलब है? इस वचन के भाव को जो तूने मेरे मन में डाला है कि मैं आज पढ़ूं, उसका क्या मतलब है? इससे तू क्या कहना चाहता है? मुझे क्या समझाना चाहता है? क्या ये आपकी भी प्रार्थना है मेरे लिए? क्या परमेश्वर के वचन को समझने में आपकी रुचि है? मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन को समझना बहुत जरूरी है। बाइबल बताती है एक समूह था जिसने वचन को सुना और नहीं समझा। उन्होंने अपने तरफ से किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया और उसके ऊपर थोड़ा मेहनत नहीं की और वक्त नहीं निकाले। बाइबल बताती है वो निष्फल हो गए। उनका जीवन में किसी प्रकार की आशीष उन्हें नहीं मिली, उन्हें नहीं मिली। दूसरे प्रकार के झुंड के बारे में यहां पर से हम क्या सीखते? पहला बात हमने सीखा मेरे प्रियो, एक विश्वासी फलवंत जीवन कैसे जी सकता है। ठीक है, आप कैसे अपने जीवन में फलों को देख सकते हैं? सबसे पहला बात मैंने बोला मेरे प्रियो, सुनना और ग्रहण करना काफी नहीं है, लेकिन उसे समझने के लिए और मेहनत करना जरूरी है। आप बोल सकते हैं कि भैया आप जो भी प्रचार करते हैं हम विश्वास करते हैं कि वैसा ही है, लेकिन उससे और ज्यादा आप समझने के लिए थोड़ा सा और मेहनत कर रहे हैं। पहला बात वचन को सुनना और समझना। दूसरा बात मेरे प्रियो, दूसरा बात के लिए देखेंगे जो दूसरा प्रकार का झुंड जिसके बारे में मत्ती उसके 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वचन को सुना और तुरंत ग्रहण किया, बड़े आनंद के साथ ग्रहण किया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब वचन के कारण उनकी जिंदगी में कष्ट आने लगे, क्लेश आने लगे, सताव आने लगे, तो वो ठोकर खा गए, तो वो ठोकर खा गए और वो निष्फल हो गए। ठीक है, तो दूसरा बात क्या है? लिखा यीशु मसीह ने बोला ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो जड़ नहीं पकड़ा, जड़ नहीं पकड़ा। तो ना केवल सुनना और समझना, लेकिन जड़ पकड़ना। जड़ पकड़ने का मतलब है जिस वचन को आपने सुन लिया है, जिस वचन को आपने समझ लिया है, जिस वचन का भेद आपको मिल गया है और आपको पता चल गया है कि हाँ ऐसा ही है, तो उसी बात पे हर समय आखिरी तक बने रहना, चाहे हालात कैसे भी हो क्यों ना हो, उसी बात पर बने रहना, उसी बात को पकड़ के रखना जो आपने समझ लिया, जो आपको बता दिया गया। पहला तिमोथियुस की पत्री में मेरे प्रिय पौलुस तिमोथियुस से क्या कहता है देखिए। पहला तिमोथियुस की पत्री को अगर मैं और आप पढ़ें, पहला तिमोथियुस की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 18 वचन, तो पौलुस तिमोथियुस से इस प्रकार कहता है जो भविष्यवाणियां तेरे लिए की गई है। पहला अध्याय उसका 18 वचन, हे मेरे पुत्र तिमोथियुस, तेरे विषय में जो भविष्यवाणियां पहले ही की गई थी उन्हीं के अनुसार मैं तुझे यह आज्ञा सौंपता हूं कि उनके द्वारा तू कुशलता से लड़। जिन भविष्यवाणियों को तेरे लिए कर दिया गया है, जो वचन तुझे मिल चुका है, जो परमेश्वर ने तुझे कह दिया है, जो वचन तुझे मिल चुका है, जो प्रकाशन तुझे मिल चुका है, जिन बातों को तूने समझ लिया है, उन बातों को तू क्या कर पकड़े रहे, उनसे हट मत, उन पर अविश्वास मत कर। पौलुस क्यों बोल रहा है तिमोथियुस को ऐसा? क्योंकि हो सकता है मेरे प्रिय तिमोथियुस के पास कई लोग आकर कहते होंगे कि तिमोथियुस तेरे साथ वो भविष्यवाणी कहां पूरा होगा, तेरे जिंदगी में पूरा नहीं होगा, तू तेरे साथ तू तो ऐसा है, तेरे साथ ये बातें पूरी नहीं हो सकती, तू इन भविष्यवाणियों के काबिल नहीं, इतने अच्छे काम तेरे जिंदगी में नहीं हो सकते। अब कई लोगों के द्वारा नकारात्मक बातें आने लगी, परमेश्वर ने उसके लिए कुछ बात बोला, लेकिन लोगों ने आकर कुछ कुछ बातें बोलना शुरू कर दिया। हम लोग बाइबल में देखते हैं यूसुफ के साथ ऐसे ही तो हुआ। यूसुफ ने दर्शन देखा, स्वप्न देखा कि परमेश्वर उसे सबसे ज्यादा बढ़ाएगा परिवार में। जब वो बात फैलने लगी, वो अपने भाइयों को बताने लगा, उसके भाइयों ने बोला कि चल हट, ऐसा कभी होगा, हम ऐसा कभी होने भी नहीं देंगे। उसका पिताजी भी बोला कि ऐसा संभव नहीं, आपको लोग बोल सकते हैं, देखो आपको और आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे लगता है मुझे प्रकाशन मिला है और मैंने परमेश्वर के वचन को इस प्रकार समझा, परमेश्वर ने मुझे समझाया अच्छे से कि वो मुझसे ये वादा कर रहा है, परमेश्वर ने मुझे इस वचन के द्वारा समझाया, मुझसे बातें किया है,
आपको पता है, लेकिन दूसरे बोलेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप क्या करेंगे? आप तुरंत छोड़ दोगे वो विश्वास? आप उस वचन के ऊपर, उस प्रकाशन के ऊपर, उस वायदे के ऊपर, उस प्रतिज्ञा के ऊपर, उस संदेश के ऊपर विश्वास करना बंद कर दोगे, छोड़ दोगे? इसीलिए लिखा है, मैं रिपीट करूं, उसमें क्या करो? जड़ पकड़ो। क्या करो? जड़ पकड़ो। उसी बात में जड़ गहरी करते चले जाइए। हालेलुया। उसी बात के ऊपर आपकी जड़ एकदम गहरी हो जाए, मजबूत हो जाए, ताकि उस बात से कोई आपको हटा ना सके, डगमगा नहीं ना पाए। हालेलुया। मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, लिखा है कि जब कष्ट और क्लेश आए, वचन को सुन लिया, ग्रहण कर लिया, लेकिन उसके बाद कष्ट और क्लेश आए। कष्ट और क्लेश में अगर आप स्थिर रहना चाहते हैं तो आपके जड़ वचन में मजबूत होनी चाहिए, तब आप कष्ट और क्लेश और परेशानियों में मजबूत हो पाएंगे। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, भजन संहिता 105 अध्याय और उसका 17 से मैं आगे आपके पढ़ना चाहता हूँ। यूसुफ के बारे में बाइबल क्या बताती है? भजन संहिता उसका 105 अध्याय और उसका 17 से आगे जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, जब यहाँ पर परमेश्वर का वचन पूरे इज़राइल के इतिहास के बारे में वर्णन करता है, तो वो इस प्रकार से कहता है, उसने उनसे पहले एक व्यक्ति को भेजा। किसको भेजा? यूसुफ को भेजा। अर्थात यूसुफ को, जो दास होने के लिए बेचा गया, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे पीड़ित किया, वह लोहे की जंजीरों से तब तक जकड़ा रहा जब तक कि उसके वचन पूरे ना हो गए और यहोवा के वचन ने उसे सिद्ध ना कर दिया। हालेलुया। वो परेशानियां, वो कष्ट, वो क्लेश, वो तकलीफ, वो चुनौती, वो बंदीगाह के हालात, वो नफरत का माहौल अपनों के द्वारा क्यों हो रहा था? ये सब यूसुफ को सिद्ध करने के लिए। हालेलुया। ये परेशानियां उसके जिंदगी में क्यों आ रही थी? ये दूसरों का व्यवहार उसके साथ अचानक से क्यों बदल गया? अचानक से उसके ऊपर बहुत सारे आरोप क्यों लग गए? अचानक से उसे बंदीगृह में क्यों डाल दिया गया? अचानक से उसके हर एक अच्छाई को क्यों नजरअंदाज कर दिया गया? इसके पीछे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा मकसद था, क्योंकि वो यूसुफ को सिद्ध करना चाहता था। हालेलुया। वो सिद्ध करके परमेश्वर उसे मंत्री बनाना चाहता था। कमियों के साथ, कमजोरियों के साथ, त्रुटियों के साथ वो वहां पर उसको नहीं ले जा रहा था। वो चाहता था कि इससे पहले वो मिस्र में प्रधानमंत्री बन जाए, बने, इससे पहले वो कई सारी चीजें सीख जाए, कई बातों में वो सफल हो जाए, वो सिद्ध हो जाए, परिपक्व हो जाए, मजबूत हो जाए, दृढ़ हो जाए। हालेलुया। ये सब परमेश्वर का मकसद है। आपको पता है, तकलीफें, परेशानियां, मुसीबतें आपको तोड़ भी सकती हैं, आपको मजबूत भी कर सकती हैं। हालेलुया। अगर आपकी जड़ें कमजोर रहेंगे तो आपको तोड़ देंगे, लेकिन अगर आप आपकी जड़ें मजबूत रहेंगे, आपको पता, आपका निर्माण होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप में से कई लोगों को लगता होगा शायद आपका निर्माण नहीं होना, लेकिन एक अंगीकार करिए, आइए अपने हाथों को उठाकर, परमेश्वर मेरा निर्माण कर रहा है, परमेश्वर मेरा निर्माण कर रहा है। हो सकता है वर्तमान में आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आपकी जड़ मजबूत हो। क्यों? क्योंकि आपके जिंदगी में तकलीफ आता है, आपके जिंदगी में परेशानी आता है, चुनौतियां आती हैं। शैतान आकर बोलता है, बस अब बंद कर विश्वास करना। जैसे अय्यूब की पत्नी ने उससे बोला कि तो परमेश्वर को कोई श्राप दे, उसके पीछे चलना बंद कर, शैतान आपको भी आकर बोलेगा। जब आपको, आपने वचन को पढ़ा, वचन को ग्रहण किया, आपने वचन को समझा, आपने उसे रिसीव कर लिया, मेरे प्रिय, उसके ऊपर मेहनत कर रहे, जड़ पकड़ते जा रहे, और आपके जिंदगी में वैसा कुछ भी नहीं हो रहा जैसे आपने समझा है, आपके जिंदगी में वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है जैसा आपने बोला गया है, और आप परेशान हो रहे हैं, और उस मौके का फायदा शैतान उठाता और आपके पास आ जाता, आपके कानों में कहेगा, क्या फायदा प्रार्थना करके? क्या फायदा वचन पढ़ के? क्या फायदा संगति करके? क्या फायदा विश्वास करके? क्या फायदा भरोसा करके? क्या फायदा ईमानदारी का जीवन जी कर? क्या फायदा सच बोल कर? क्या फायदा? तब आप अपने जड़ों को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। हालेलुया। तब आप अपने जड़ों को यह कहकर मजबूत करते हैं
कि चाहे कुछ हो ना हो मैं विश्वास करता हूं कि यही सही है। हालेलुया, परमेश्वर ने जो मुझे अपने वचन से सिखाया और समझाया है वही सच है, मैं उस सच से हटूंगा नहीं, चाहे कुछ भी बात क्यों ना है, मैं इसी बात के ऊपर यकीन करूंगा, मैं इसी बात के ऊपर यकीन करूंगा। आपकी जिंदगी में आशीष नहीं मिल रहा, लेकिन आप कहते हैं परमेश्वर ने मुझे समझाया वचन के द्वारा कि आशीष मुझे मिलेगी, और आप कहते हैं कि मैं मुझे आशीष मिलेगी, मैं विश्वास करता हूं जरूर आशीष मिलेगी। आप क्या कर रहे हो, उस वचन में आप अपने जड़ को मजबूत कर रहे, क्योंकि हालात तो विपरीत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसको ऐसा मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत अटपटा उदाहरण होगा, लेकिन समझने के लिए, आप कार में पीछे तीन लोगों का सीट है या चार लोगों का सीट है, समझ लीजिए तीन लोग बैठ सकते हैं, लेकिन चार बैठ के एडजस्ट नहीं हो रहे ढंग से, लेकिन जैसे ब्रेकर आता है गड्ढा आता है सब एडजस्ट हो जाते हैं, है कि जगह अपने आप बन जाता है, इधर उधर खा सकते हैं और एक सेट हो जाता है, होता है ऐसा होता है। जब परेशानियां आती है मुसीबतें आती है कई बार आप सेट हो जाते हैं परमेश्वर के वचन में। हालेलुया, वो आंधी तूफान आपको और अच्छे से वहां पर आपको बैठा देता है, आपको और दृढ़ कर देता है और आपको मजबूत कर देता है मेरे प्रिय। लेकिन जिन्हें समझा नहीं था वचन को, जड़े मजबूत नहीं की और मेहनत नहीं की और अपने ऊपर मेहनत नहीं किया मेरे प्रिय, और अपने ऊपर परिश्रम नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, अपने ऊपर मेहनत किया करें, आप अपने शरीर के ऊपर मेहनत करते हैं, आप अपनी आत्मा के ऊपर भी मेहनत करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे, आपको पता है आप वर्ष बीतते चले जाएंगे लेकिन आपके जिंदगी में आपको फल नहीं दिखाई देगा। आप फल ढूंढते रहेंगे लेकिन आपको फल दिखेगा, वो फल कभी आपके जिंदगी में लगेगा। हालेलुया। तीसरा बात मेरे प्रिय, फल लाने के लिए क्या करना, पहला बात मैंने आपको बताया, परमेश्वर के वचन को और समझने के लिए मेहनत करें। दूसरा बात, उन वचनों में जड़ पकड़ी, उन वचनों के ऊपर विश्वास करिए, चाहे कोई भी हालात आ जाए उन वचनों से अपने मन को हटने मत दीजिए, उन वचनों के प्रति अविश्वास को आने मत दीजिए, संदेह को मत आने दीजिए, चाहे कुछ भी परिस्थितियां आ जाए उन्हीं वचनों को बार बार दोहराते रहिए, उन्हीं वचनों को बार बार याद करते रहिए, स्मरण करते रहिए। और तीसरा बात मेरे प्रिय, भटकिए मत, तीसरा बात उन वचनों से भटकिए मत। तीसरा समूह के बारे में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 22वें वचन में प्रभु यीशु मसीह तीसरे प्रकार के समूह के बारे में या मनुष्य के बारे में बताते हैं जिसने वचन को सुना था और वचन को सुनने के बाद उसके जिंदगी के साथ क्या हुआ। मेरे फिर लिखा है कि कटीली झाड़ियां भी साथ में उग आई और कटीली झाड़ियों ने क्या किया, उसे दबा दिया और वो निष्फल हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने अर्थ समझाते हुए इस प्रकार से कहा, और कटीली झाड़ी में बोया गया वह मनुष्य है जो वचन सुनता है और संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और निष्फल कर देता है। मेरे प्रियो, तीसरा जो समूह है वो भटक गया, वो मार्ग से हट गया। कुछ समय तक तो जो वचन को उसने सुना था, सीखा था, समझा था मेरे प्रियो, उसके अनुसार चलता रहा। देखिए कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसके 6वें वचन में पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया के लिए क्या कहता है। कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 6वां पद और 7वां वचन लिखा है, इसलिए जैसे तुमने मसीह को प्रभु मान कर ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसमें चलते रहो तथा दृढ़ता से जड़ पकड़ते और उसमें बढ़ते हुए जैसे तुम सिखाए गए थे वैसे ही अपने विश्वास में स्थिर होकर अत्यंत धन्यवाद करते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए थे, ऐसा समझ लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय से लेकर जो 7 अध्याय है वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि चिंता नहीं करना,
तुम यह कहकर चिंता नहीं करना, इस कारण मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना ही अपने देह के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से या देह वस्त्र से बढ़कर नहीं। ये सब प्रभु यीशु मसीह ने पहले बोल दिया। अब 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुन लेते हैं, ये सुन लेते हैं कि चिंता नहीं करना, फिर भी घर में जाकर बैठते और उसके बाद चिंता करते रहते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारी जिंदगी का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, कैसे हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी, हमारे पास कुछ खाने के लिए होंगे या नहीं होंगे, क्या खाने के लिए होगा, क्या पहनने के लिए होगा, क्या रहने के लिए होगा। मेरे को सुन लिए हो आप, लेकिन फिर भी वो चिंताएं क्या कर रही आपकी जिंदगी में आकर आपकी जिंदगी के ऊपर कब्जा कर ले, वो जय प्राप्त कर ले रही है धीरे धीरे। ठीक है, इसने इस व्यक्ति ने सुना, लेकिन अचानक से कई बातें आने लगी, चिंताएं आने लगी। थोड़े वक्त के बाद मेरे प्रियो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति जब वचन को सुन लेता है, मेरे प्रिय आंधियां आती हैं, बारिश आता है, तूफान आता है, घर से टकराता है, वैसे इस व्यक्ति के साथ भी होने लगा। मेरे प्रिय धन का धोखा, मेरे प्रिय उसके अंदर एक धन के प्रति लालच आने लगा, उसके अंदर धनवान होने की इच्छा जाग उठी अचानक से। ये इच्छा पहले नहीं थी धनवान होने की, लेकिन अचानक से प्रभु के पीछे चलते चलते एक इच्छा उत्पन्न हो गई, मुझे धनवान बनना है, मुझे पैसे वाला बनना है, मेरे पास खूब पैसे होने चाहिए। धन का धोखा, और फिर उसके बाद इस विचार से ग्रस्त हो गए, और ये जो इच्छा है वो हावी होने लगा। बाकी सारी इच्छाओं के ऊपर ये इच्छा धनवान होने की जो इच्छा है वो हावी हो गई, और वो सारी इच्छाएं जो पहले प्रारंभिक दिनों में थी, मसीह को जब आपने जीवन दिया था, जब आपने चलना शुरू किया था, जब आपने मनन करना शुरू किया था, वो सब इच्छाओं के ऊपर अब ये इच्छा हावी हो गई है, मुझे पैसे वाला बनना, मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, मेरे पास सारे सामान होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास वो भी होना चाहिए। ये सारी इच्छाओं ने क्या कर दिया है, आपके आत्मिक इच्छाओं का स्थान ले लिया है। इस तीसरे प्रकार के व्यक्ति के अंदर या इन व्यक्तियों के समूह के अंदर ऐसा ही हुआ। पहले उनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी इच्छाएं थी, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगी, प्रभु तेरे लिए ऐसा करना, प्रभु मुझे ये बनना है, मुझे ये वरदान चाहिए, मुझे ऐसे इस्तेमाल होना, मुझे ये करना, मुझे वैसे इस्तेमाल होना है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, प्रभु मुझे धनवान बनना, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मुझे इसकी जरूरत है, प्रभु मुझे उसकी जरूरत है, अब वो इच्छाएं जो पुरानी थी उसको बोलना बंद कर दी। आप बहुत ज्यादा डरते हैं, आपके अंदर एक अलग सा भय रहता है, आप निश्चिंत नहीं रह पाते, आप चिंताओं से ग्रसित हो गए, चिंताओं के ऊपर आप जय को प्राप्त नहीं कर पाते। आपको हर रोज ये विचार आकर डराएगा, हर रोज ये बातें आकर आपके ऊपर हावी होंगी, और आप इसी के ऊपर सोचना विचारना शुरू कर देंगे। मेरे प्रिय बाइबल बताती है इस व्यक्ति के लिए ये कटीली झाड़ियों का रूप बन गया। मेरे प्रिय संसार की चिंता और धन का धोखा, जैसे शैतान यीशु मसीह के पास आकर उससे सवाल कर रहा था, मेरे प्रिय वैसे ही हो सकता है कि आपके पास भी आकर सवाल करें, आपसे सवाल करें कि ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे क्या होगा, फिर जिंदगी का तुम्हारा क्या होगा, ऐसे नहीं चलेगा। वही सवाल भी करेगा, वही आपको जवाब भी दे देगा कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, और वो आप डरना शुरू कर देंगे, आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे। बाइबल बताती है मेरे प्रिय नीति वचन की किताब में, मनुष्य का जो जीवन है वो धन की अधिकाई के ऊपर निर्भर नहीं है। फिर लिखा है कि धनवान होने के लिए परिश्रम मत कर, धनवान होने के लिए पसीना मत बहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नौकरी छोड़ दें, आप मेहनत करना बंद कर दें, लेकिन सिर्फ पैसा 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 मत करें। क्यों
उनका दिल पैसा पैसा है, इसमें पैसा है, इसमें पैसा है, इसमें पैसा मिलेगा। वो क्यों कर रहे, पैसा मिलेगा। वो क्यों कर रहे, पैसा मिलेगा। इतने सारे काम एक साथ क्यों कर रहे, पैसा मिलेगा। मेरे प्रिय, कहीं आप ऐसे बातों से ग्रसित तो नहीं होते? आप ध्यान दीजिए कि आपके अंदर जो बोया गया वचन था, जो आपने सीखा था कल, वो दब तो नहीं गया? क्या आपके जिंदगी में फल आप देख पा रहे हैं? मेरे प्रिय, जो वचन सुनता और संसार की चिंता और धन का धोखा, लुका रचित सुसमाचार में लिखा है, और वस्तुओं का लोभ, वस्तुओं का लोभ। मेरे प्रिय, प्राथमिकताएं ये चीज नहीं है। यीशु मसीह ने क्या बोला है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में, पहले तो मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। आपको पता है बहुत सारे मसीह लोग बहुत मेहनत करते हैं पाने के, लेकिन नहीं मिलता। बहुत प्रयास करते हैं, दिन रात एक करते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो चाहिए वो उनको नहीं मिलता, उनको नहीं मिलता। क्योंकि परमेश्वर देख रहा है स्वर्ग से कि ये मेरे पहले मेरे धर्म और राज की खोज नहीं कर रहे। आपको ऐसा लगता है कि बस अब वो चीजों के आप एकदम नजदीक आ गए हैं, वो थोड़ा और आगे निकल जाता है। चीजें तो ऐसी हैं कि आप उनके पीछे दौड़ते रहेंगे, वो आगे आगे जाता रहे। लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि अगर आप पीठ फेर देंगे और प्रभु के धर्म और राज्य की खोज करेंगे, तो वो जैसे आप एक चुंबक की तरह हो जाएंगे, वो अपने आप खींच कर आपके पास आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं गवाही बताना चाहता हूं आपको। कल एक भैया से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बात करते करते मेरे कई सारी बातों को बोल रहे थे। फिर मेरे से बातचीत करते हुए उन्होंने बोला कि ऐसा था उनके उनके जीवन में, ऐसा था वो यूएस में जाकर पढ़ना चाहते थे, अमेरिका में जाकर पढ़ना चाहते थे, और हमारे साथ बाइबल कॉलेज में यहाँ पर पढ़े। वो मेरे से सीनियर थे काफी, मैं फर्स्ट ईयर में था, वो फाइनल ईयर में थे बीए। तो वो अमेरिका में भी जाकर अपना आगे का पढ़ाई करना चाहते थे। उनके पास 750 रुपये थे, तो डायरी में लिखे थे कि 750 रुपये है प्रभु, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे जाना है। तो उनकी पत्नी देखते थे कैसा पागल है कि 7,500 रुपया भी नहीं है ढंग से खाने पीने के लिए, गया था और अमरीका जाएगा, अमरीका जाएंगे, अमरीका जाएंगे। 8 साल के बाद वो अमरीका गए। हालेलुया, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से रास्ता खोला और वो वहां चले गए, और उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरी भी कर ली। अभी वहां पर सेवा करते हैं। अभी वो बता रहे थे सेवा करने के दौरान में, वो कल मेरे को बोल रहे थे कि उनके ऊपर $12,000 कर्जा था। $12,000 है ना, 12,000 रुपए नहीं है, $12,000 ऑलमोस्ट लगभग 12 लाख के आसपास जाएंगे। ठीक, तो $12,000 उनके ऊपर कर्जा है। वो अपना क्रेडिट कार्ड लेकर, जिसके कारण वो कर्जा है, तो वो लेकर प्रार्थना करते थे कि प्रभु मैं अपने सारे कर्जे को इस पर से हटाता हूँ, कैंसिल करता हूँ, हटाता हूँ कि बदले पे क्या क्रेडिट कार्ड। फिर वो चर्च में गए और बोल रहे थे बुजुर्ग महिला से, एक दंपत्ति से वो बातचीत कर रहे थे, और वो बता रहे थे कि जो बुजुर्ग महिला एक नंबर की कंजूस, वो चाय तक नहीं पूछते किसी, इतने कंजूस। उनके साथ बैठकर ये भाई बातचीत कर रहे थे जो सेवा करते हैं अभी वहां पर। तो टाइम के ऊपर बात आ गया, बात करते करते आपस में, जब 10 वर्ष के ऊपर बात आया, तो ये प्रभु के दास ने बोला कि मेरे ऊपर $12,000 कर्जा है, लेकिन मैं टाइम देता हूं। उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि अगर मैं टाइप रोक दूंगा तो मैं कर्जा बहुत जल्दी उतार दूंगा, मुझे पता है कि अगर मैं टाइप नहीं दूंगा तो मैं कर्जा अपना उतार दूंगा, लेकिन मैंने परमेश्वर के वचन से सीखा है और मैं ये जो मैंने सीखा है मैं वही करूंगा, भले ही मेरे कर्जे का कुछ भी हो, कितना भी साल तक मुझे देना पड़े, वो जो भी हो, लेकिन मैं अपना टाइप बन गया। तो वो जो लेडीज थे उन्होंने बोला कि भाई ऐसे में तुम्हें परेशानी नहीं होता, तुम तो परेशान हो जाओगे ऐसे, ये क्या कर रहे हो? बोले नहीं, मैंने यही सीखा है। हालेलुया, मैंने क्या किया है, यही सीखा है,
और मैं नहीं चाहता कि इस वचन के ऊपर कटीली झाड़ियां उग आए और मैंने जो सीखा है उसको दबा के और निष्फल कर दिया। उन्होंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसके लिए कितना भी परेशानी उठाना पड़े, मैं अपना टाइट जरूर दूंगा, मैं अपना टाइट रोक कर कर्जा नहीं उतारूंगा। आपको पता है उसी समय उस लेडीज ने $12,000 उनका कर्जा चुका दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब वो लेडीज को $12,000 वापस करना है, लेकिन आपको पता है वो भैया क्या बोल रहे थे, बोले मुझे वापस करना है लेकिन मैं $400-$500 हर महीना उनको वापस करता हूं। पहले मैं $400-$500-$600 ब्याज देता था। सोचिए कितना ज्यादा फर्क नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन की चिंता, कैसे होगा, कैसे चलेगा, ऐसे कर देंगे तो फिर हमारा क्या चलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मेरे प्रिय, ये चिंताएं आती हैं और ये आप इसलिए आती है ताकि आपको निष्फल करें। आप तो फलवंत होने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये चिंताएं क्यों आई हैं? आपको निष्फल करने के। आप सोच रहे हैं कि चिंता करके आप फलवंत हो जाएंगे, लेकिन चिंताएं इसलिए आ रही हैं ताकि आपको फलवंत ना होने दें। शैतान कभी भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आता। अगर वो आपका मदद भी कर रहा होगा ना, तो अगर आपको बोले कि रास्ता ये है और रास्ता बहुत अच्छा दिखाई दे रहा हो, आप डाउट करना कहीं ना कहीं गड्ढा होगा और आप कदम रखेंगे आप गिर जाएंगे। शैतान कभी भी आपका भला नहीं चाहता मेरे प्रिय। सो तीसरा बात, भटकिए मत, उस वचन से मत भटकिए। आप इन चीजों में फंस मत जाइए, उलझ मत जाइए, अपना काम करिए, अपना ड्यूटी करिए, अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाइए, पूरा मेहनत अच्छे से काम करिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अच्छे से आप अपना सैलरी लीजिए, प्रमोशन भी आपको मिले, लेकिन याद रखिए कि धन के पीछे भागते नहीं रहना। याद रखें कि ये धन का धोखा, वस्तुओं का लोभ, संसार की चिंताएं, आवश्यकताओं की चिंताएं, ये सब आकर आपको दबा ना दे, आपको परेशान ना कर दे। हालेलुया मेरे प्रियो, तब आप एक फलवंत जीवन जी पाए, तब आप एक फलवंत जीवन जी पाए। सो तीसरा बात मैंने आपको बताया, आप दब ना जाएं या मार्ग से भटक ना जाएं। चौथी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं मेरे प्रिय, और उसके बाद हम लोग समाप्त कर देंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका 23 पद में लिखा, अच्छी भूमि में बोया गया वह मनुष्य है जो वचन को सुनकर और समझकर वास्तव में फल लाता है, सच में फल लाता है। वो फल की बातें नहीं करता, लेकिन वो फल लेकर सच में फल लेकर आता है। मेरे पे क्यों फल लेकर आता है, क्यों फल लेकर आता है? इसलिए फल लेकर आ पाया क्योंकि वो वचन को समझने के लिए और मेहनत किया। इसलिए फल ला पाया क्योंकि उसने अपने जड़ों को विपरीत परिस्थितियों में उन वचनों में और मजबूत होने दिया। वो कमजोर नहीं पड़ा, लड़खड़ाया नहीं, अविश्वासी नहीं हुआ, संदेह नहीं किया। क्यों फल लेकर आ पाया? क्योंकि उसने संसार की चिंताओं को, धन के धोखे को, वस्तुओं के लोभ को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, अपने आप को बचाया। उसने वे वचन जो प्रारंभ से उसके अंदर डाले गए थे, वो शिक्षाएं जो उसके अंदर डाली गई थी, उसको सुरक्षा प्रदान किया। उसने आपके दिल के अंदर जो वचन है उसको आपको सुरक्षित करना है, आपको बचाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपके अंदर जो बोया गया था, आपने जो सीखा हुआ था मेरे प्रिय, वो बना रहे, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्रिय यहां पर लिखा है कि कोई 100 गुना फल लेकर आए, कोई 60 गुना फल लेकर आए और कोई 30 गुना फल लेकर आए। और ये बात समझा कर मैं समाप्त करूंगा मेरे प्रियो। पता नहीं मैंने पहले बताया नहीं बताया, लेकिन शायद बाइबल स्टडी क्लास में मैंने बताया है, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में भी जाएंगे शालोम प्रेयर हाउस में, तो वहां पर भी एक छोटा सा जो संदेश है कि हम और फलवंत कैसे हो, ज्यादा फलवंत, हम अधिक फल कैसे लाए, वहां पर भी इस चीज को मैंने समझाया मेरे प्रियो। क्या परमेश्वर ये चाहता है कि एक व्यक्ति 30% फल लेकर आए, एक व्यक्ति 60% फल लेकर आए और एक व्यक्ति 100% फल लेकर आए? क्या परमेश्वर की ये योजना, परमेश्वर की क्या योजना है?
हम सब के लिए कि क्या चाहता है, क्या वो 100% नहीं चाहता, क्या वो नहीं चाहता कि हम 100% फल लेकर आए और 100% फलवंत अपने जीवन में हो जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको थोड़ा सा आनंद मिले, इस व्यक्ति को थोड़ा आनंद मिले, उस व्यक्ति को थोड़ा और ज्यादा आनंद मिले, और इस व्यक्ति को पूरा पूरा आनंद मिले। परमेश्वर ऐसे प्लान नहीं करता, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। इसीलिए साफ साफ लिखा, जिसके कान हो वह सुन ले, और सुनने के बाद वो आपके ऊपर है, उस व्यक्ति के ऊपर है कि वो कैसा फैसला लेता है, कैसा प्रतिउत्तर देता है। मेरे प्रिय, मैं ऐसा सोचता हूं, अगर आप मत्ती यमुना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय को आप अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने बोला कि सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, तुम डालियां। जो डाली मुझ में बनी रहती है और नहीं फलती, उसे वो क्या करता है, काट देता है और अलग कर देता है कि वो आगे आग में झोंकी जाए। मैं आपको एक बात बोलूंगा, आपको शायद खराब लगेगा और हो सकता है डर भी लगेगा। आप सोचेंगे, आप शायद सोचते होंगे कि निष्फल होकर आप स्वर्ग में बैठ जाएंगे जाके, आप निष्फल जिंदगी जिएंगे, यहाँ पे कोई फल आपकी जिंदगी में नहीं लगेगा, और आप सोचते हैं कि मैं स्वर्ग में जाकर मेरे को सीट मिल जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती वो काट कर अलग कर दिया जाता है। क्या लिखा है पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 अध्याय उसका पहला पद से आगे, जो डाली मुझ में है, जो कहता है कि मैं विश्वासी हूं, जो कहता है कि मैं मसीह हूं, जो कहता है मैं तो पैदाइशी क्रिश्चियन हूं, है ना आंटी, आपके लिए भैया, आप तो आपका तो जीवन बदल गया, आपका तो बहुत सुंदर गवाही है, और आंटी तो की इवेंजलिस्ट है। हालेलुया। जो ये कहते हैं कि तुम मुझे सिखाओगे, हम बचपन में पैदाइशी में हुए हैं, और जो कहते हैं कि हम तो उसी के हैं, लिखा है कि जो उसमें है और सिर्फ रहना काफी नहीं है, सिर्फ रहना काफी नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर तो सच, मैं सच कहता हूं कि परमेश्वर बहुत अच्छा जीवन देना चाहता है। वो शांति का राजकुमार है, वो हमें संभालना चाहता है, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी वो चाहता है कि हम चीजों को अनुभव करें। इसीलिए तो वो इस संसार में आया। हालेलुया। वो इस संसार में आया ताकि वो कैदियों को छुड़ाए, और उसने छुड़ाया है। हालेलुया। वो इस संसार में आया, उसने बोला यूहन्ना बपतिस्मा दाता को, जाकर बताओ कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, पापी क्षमा पा रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, मृतक जिलाए जा रहे हैं, ये सब बताओ। प्रभु यीशु मसीह सब देने के लिए, उसने उस स्त्री से कहा, उस कुएं के पास सामने स्त्री को उसने कहा कि अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह कि वह कौन है जो तुझसे बात कर रहा है इस समय, तो तू उससे मांगती और वह तुझे देता। क्या वो पापी नहीं है वो स्त्री, क्या वो अधर्म में नहीं है, क्या जिस समय यीशु मसीह उससे बात कर रहा है उस समय क्या उसकी दशा एक पापी स्त्री की नहीं है? वो उस समय भी एक पापी स्त्री है। ऐसा नहीं कि उसका जीवन बदल गया और अब वो आई और प्रभु से बात कर रहा है और अब उसको देना चाह रहा है। वो अपने पाप की अवस्था में है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि अगर तू इस बात को जाने कि परमेश्वर तुझे कुछ देना चाहता है तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। मेरे प्रियो, को हमारे जिंदगी को बदल के रख देना चाहता है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम शांति का जीवन जिए, आनंद का जीवन जिए, आशीष हमारे जीवन में हो, गवाही हमारे जीवन में हो, प्रभु की इच्छा है। तो फिर ऐसा क्यों है मेरे प्रियो कि कोई 30%, कोई 60%, कोई 100%, यहां पर हमने पढ़ा कि जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो उसमें है और नहीं फलता। फल लाने के लिए बहुत मेहनत करना शुरू करिए आज से, खूब प्रार्थना करना शुरू करिए कि मैं फल लाऊं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर फल नहीं लाएंगे, लिखा है जो नहीं फलता उसे वो काट डालता है, उसे वो काट कर अपने आप से अलग कर देता है, और आगे चलकर जो काट कर अलग कर दी गई डालियां है उन्हें आग में झोंक दिया जाता है। बाइबल में लिखा हुआ, लेकिन लिखा है जो डाली मुझ में बनी रहती और फलती है उसको पिता क्या करता है, छांटता है। हालेलुया।
कैसे छांटते हैं? अगर आपको गार्डन में कुछ चीज छांटना है तो कैसे छांटोगे? किस चीज की जरूरत रहेगी छंटनी करने के लिए? पैर से कैंची। आपको कैंची चाहिए, है ना? आप उड़ाते जाएंगे, वो डाले कोई गलत है क्या? नहीं, आप फिर भी काट कर अलग करेंगे, आप उसको छांटेंगे, आप उसको नाश नहीं कर रहे, लेकिन आप उसको छांट रहे ताकि वो और अच्छे से फल ला सके। यहाँ पर लिखा है वो छांटता है ताकि वो क्या करे? और फल लाए। हालेलुया, और फल लाए। आप फल ला रहे, परमेश्वर की इच्छा है कि और आप ज्यादा फल लेकर। आपने फल ला के कोई गलती कर दिया क्या? कि यार मैं तो फल ला के गलती कर दिया, ये तो मुझे और छांटेगा, और तकलीफ होगी मेरे पे, थोड़ा सा तकलीफ होगी और छांट। मैं इसको ऐसा समझता हूँ मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जिसने प्रभु को अपना जीवन दिया और फल लाना शुरू किया प्रभु के लिए, उसके जिंदगी में फल लगना शुरू हो गया, उसके जिंदगी के द्वारा प्रभु के लिए फल आना शुरू हो गए और वो प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं और फल लेकर आऊ, मुझे और फल बंद होना, मुझे और फल बंद कर। प्रभु ने बोला ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि तू फल लेकर आए, अभी मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि तू और फल लेकर आएगा, मैं कैंची लेकर आता हूँ थोड़ा रुक। और वो कैंची लेकर आया उस, और प्रभु का दास बोल रहा था क्यों कैंची लेकर? बोले थोड़ा कुछ कुछ चीजें ना हटाना पड़ेगा तेरे जिंदगी से, कुछ कुछ चीजें छोड़ना पड़ेगा, उसको मैं काटूंगा, ये चीज वो चीज ये और वो। और इस व्यक्ति ने बोला कि प्रभु बस 30% ही काफी है, इससे ज्यादा और मैं अपना प्रेयर पॉइंट चेंज कर रहा, प्रभु मुझे हम फल नहीं लाना क्योंकि मैं नहीं बदल सकता, मैं अपने जीवन में, मैं अपने स्वभाव में इन बातों को नहीं छोड़ सकता हूं, बदलाव नहीं ला सकता हूं, आप जो कह रहे हैं मैं इससे ज्यादा अपने आप को नहीं सुधार सकता, प्रभु मैं अपने जीवन के इन क्षेत्रों को आपको नहीं दे सकता। वो व्यक्ति 30% नहीं है, परमेश्वर भी चाहता है कि बढ़ाए, वो भी चाहता है कि बढ़े, लेकिन वो नहीं बढ़ पाए, 30% फल लाए, लेकिन प्रभु ने उसको नाश नहीं किया, प्रभु ने बोला ठीक है। फिर दूसरा व्यक्ति है मेरे पे 60% तक फल लेकर आया, फिर वो प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु मैं और फल लेकर आना चाहता हूँ, मैं और इस्तेमाल होना चाहता हूँ, मैं और बढ़ना चाहता हूँ, मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में ऐसे होने चाहिए। प्रभु बोला बिल्कुल ठीक है, मैं कैंची लेकर आ रहा हूँ। और वो कैंची लेकर आता है और इसने बोला प्रभु क्यों? बोले कुछ कुछ चीज छोड़ना पड़ेगा, हटाना है, उन चीजों के साथ नहीं बढ़ पाएगा, उसको काटना पड़ेगा, तुझे गुस्सा छोड़ना पड़ेगा। प्रभु गुस्सा तो मेरे नाक पे बैठता है, कैसे हटाऊं? तुझे ये छोड़ना पड़ेगा, तुझे वो छोड़ना पड़ेगा। प्रभु नहीं छोड़ पाऊंगा, बचपन से मेरे पे केवल 60%। प्रभु ने बोला ठीक है। एक और व्यक्ति था जो 30% में था, उसने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु मुझे और बढ़ना, मुझे और बढ़ना, मुझे और बढ़ना है। प्रभु कैची लेकर आया, उसने बोला प्रभु कैची क्यों? उसने बोला तेरे जिंदगी में और छांटना पड़ेगा, अगर तू बढ़ना चाहता है तुझे दर्द होगा, तुझे तकलीफ होगा, कई चीजें मैं तेरे जिंदगी से अलग करना शुरू करूंगा। उसने बोला ठीक है प्रभु, मुझे तकलीफ हो तो हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बढ़ू, जो जो मेरी जिंदगी का भाग काट कर अलग करना है, जो जो स्वभाव, जो जो आदत में मेरी जिंदगी में बदलाव लाना बताते जाइए, उसे अलग करते जाइए। प्रभु ने छांटना शुरू किया, 60% हो गया। हालेलुया। फिर वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु और बढ़ना, और बढ़ना, और बढ़ना है, और बढ़ना है, और फलवंत होना। परमेश्वर फिर कैंची लेकर आता है, कहता प्रभु और कैंची, फिर से और क्या रह गया? परमेश्वर बोलता है कि और अभी कुछ चीजें हैं जो तेरे जिंदगी से दूर होना। वो कहता प्रभु ठीक है, जो चीजें मेरे जिंदगी से अलग करना, जो बदलाव लाना ले आ, जो जो बातें मुझे छोड़ना बता, कहां कहां मुझे अपने आप को सुधारना है मुझे बता, क्या क्या मुझे बंद करना है मेरी जिंदगी में बता, मैं करूंगा, मुझे कष्ट होगा, मुझे तकलीफ होगा, मैं जानता हूं, लेकिन प्रभु मैं करना चाहता हूं। और वो छाटा गया। बाइबल बताती है मेरे प्रियो 100%। हालेलुया। 100%। क्या फलवंत होना चाहते हैं? हालेलुया। अगर आप फलवंत हो रहे हैं तो आप और बढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप 30% में रुक जाएं, 60% में रुक जाएं, या आप ये सोचें कि आप मेरा सेवा समाप्त हो गया। नहीं, आप जब तक जीवित हैं तब तक आपको प्रभु का वो काम करते रहना है। हालेलुया।
Praise the Lord. Hallelujah. मेरे प्रियों, क्यों ना मैं और आप फलबंद होने के लिए प्रयास करें। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, प्रार्थना करेंगे, स्नान करेंगे और प्रभु यीशु में शामिल होंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हम फलबंद, हम अपने जीवन में फल देखना चाहते हैं, उसके लिए अनुग्रह कि ना केवल हम सुनते रहे, ना केवल हम ये कहते रहे कि हम ग्रहण कर रहे प्रभु, लेकिन हम उसे समझने के लिए और मेहनत कर सकते। हाँ प्रभु, वक्त लग सकता है, अपना व्यक्तिगत प्रयास लग सकता है, लेकिन सहायता करिए कि सब ऐसा कर सकें। प्रभु मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि हर एक की जड़ मजबूत हो जाए, विपरीत परिस्थितियों में, तकलीफों में शैतान आकर तरह तरह का बात कहेगा कि उस वचन के ऊपर से हमारा विश्वास हट जाए, लेकिन हमारी सहायता करे प्रभु कि तेरे वचन के ऊपर हमारा विश्वास और भरोसा बना रहने पाए। प्रभु सहायता करिए, मदद करिए पवित्र आत्मा, प्रभु दया करिए कि कोई भी भटकने ना पाए, किसी को संसार की चिंता, धन का धोखा, वस्तुओं का लोभ दबाने ना पाए। प्रभु दया करिए, बढ़ने के लिए हमेशा तैयार पाए जाए, छाटे जाने के लिए तैयार पाए जाए, प्रभु सुधार लाने के लिए अपने अंदर तैयार पाए जाए, अपने आप को बदलने के लिए तैयार पाए जाए, परिवर्तन के लिए तैयार रहे हम। मदद करिए प्रभु जी कि हम जब कभी आप हमसे कुछ बदलाव की बातें कहें, बदलने के लिए बोले प्रभु जी, हम तैयार रहे और हाँ बोले। ऐसा ना हो कि हम 30 या 60 परमेश्वर पिता पर जी प्रतिशत फल लाकर प्रभु हम रुक जाए। धन्यवाद उन तमाम लोगों के कलीसिया में जिन्होंने फलों को लाया है, जिनके जिंदगी में फल है परमेश्वर पिता, जिनके जिंदगी के द्वारा प्रभु जी आपके लिए और फल आ रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ लोगों। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वो और बढ़ने पाए और फलदायी होने पाए प्रभु जी, तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए और फायदेमंद हो, उपयोगी हो, प्रभावशाली हो, सफल हो, हर एक व्यक्ति अपने जिंदगी में सफल होते जाए, सफलता के फल लोगों के जिंदगी में लगे, चंगाई के फल लोगों के जिंदगी में लगे, उन्नति के फल लोगों के जिंदगी में लगे, भलाई के फल लगने पाए, आर्थिक परमेश्वर पिता उन्नति के फल लगने पाए, सफलता के फल लगने पाए, शांति के फल लगने पाए, आनंद के फल लगने पाए परमेश्वर पिता, प्रोजी हर एक प्रकार का फल जो स्वर्ग से है परमेश्वर पिता हर एक की जिंदगी में लगने पर, फल रहित जीवन किसी का भी ना होता है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता इस समय कलीसिया में लोगों के लिए जो बीमार है, जो शरीर में कमजोर है, प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाई उन्हें स्पर्श करिए और चंगाई दीजिए, तेरा सामर्थ्य उन्हें छुए और उनकी बीमारी, उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनका रोग ईश्वर के नाम से दूर हो जाए। प्रभु तेरे कोड़े खाए जाने से वो चंगे हुए हैं, तेरे वचन के कारण हमें याद होता है कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें प्रभु जी, क्योंकि तू यहोवा रफा है जो हमें चंगा करता है। प्रभु अपना हाथ बढ़ाओ, एक एक को छू, उनके शरीर की दशा को बदल दे प्रभु, दया कर प्रभु, हर एक के लिए जीवन की बातों को बोलता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक में शांति, छुटकारा, चंगाई, सफलता, संपन्नता, कल्याण, बढ़ती आनंद, उत्साह, प्रफुल्लता और दीर्घायु के वचन कहता हूँ प्रभु। प्रार्थना करता है इस समय जब हम प्रभु भोज लेते हैं, उसके द्वारा भी तू हम सबको आशीष दे और इसमें से शामिल होने के लिए प्रभु हर एक को इस समय तैयार कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन। सब अपने स्थानों में बैठ जाए, प्रार्थना के भाव में रहे। जब हम